भाई सीयूईटी तो हो गया, रिजल्ट का क्या सिनेरियो है? रिजल्ट यार वो तो आ ही जाएगा। अच्छा वैसे मैंने सुना है कि एनटीए 3 स्टेप में अपना रिजल्ट रिलीज करता है, ये बात सच है क्या? हाँ यार पेपर के टाइम तो एनटीए परेशान करता ही था, लेकिन तुम लोग यहाँ पे रिजल्ट के टाइम भी एनटीए परेशान करने वाला है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज वाली वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रिजल्ट्स कि यार सीयूईटी के यहाँ पे रिजल्ट किस टाइप से रिलीज होंगे। सीयूईटी के अंदर बेसिकली 3 फेज में रिजल्ट रिलीज होता है, एंड ये भी मैं तुम लोगों को इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इसी के साथ साथ यार अगर तुम लोग भाई चैनल पर न्यू हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट फेज की बात कर देते हैं। देखो यार यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ ये पिछले साल के बेसिस पे, लाइक पिछले साल किस टाइप से रिजल्ट रिलीज हुआ था, एंड बेसिकली जितनी भी बार यहाँ पे सीयूईटी अभी तक कंडक्ट हुआ है उन सभी बार में इसी टाइप से यहाँ पे रिलीज किया सीयूईटी ने रिजल्ट। तो सबसे पहला जो यहाँ पे स्टेप होता है रिजल्ट रिलीज करने में वो होता है यहाँ पे तुम्हारी आंसर कीज का। लाइक तुम लोगों को यहाँ पे अपनी एक रिस्पॉन्स शीट देखने के लिए मिल जाएगी। अब रिस्पॉन्स शीट का क्या मतलब है? बेसिकली लास्ट टाइम तुम लोगों का यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था जिसके अंदर तुम लोग यहाँ पे कंप्यूटर में क्वेश्चन मार्क करके आए थे, तो एनटीए ने बाद में जाकर अपनी रिस्पॉन्स शीट रिलीज की थी। अब इस रिस्पॉन्स शीट के अंदर तुम लोगों को यहाँ पे ये पता चलेगा कि तुम लोग कौन कौन से क्वेश्चन मार्क करके आए हो, एंड इस बार ये सीबीटी मोड में नहीं है तो उम्मीद लगाई जा रही है कि एनटीए तुम्हारी जो OMR शीट है वो तुम लोगों को रिलीज करेगी। लाइक तुम लोगों के यहाँ पे जो OMR शीट है उसकी तुम लोगों को सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड की जाएगी कि तुम लोग यहाँ पे उसके अंदर कौन सा क्वेश्चन मार्क करके आए हो, एंड देन तुम लोगों को वो मैच करने होंगे। इसी के साथ साथ मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ ये बताता हूँ कि तुम्हारी रिस्पॉन्स शीट तो रिलीज होगी लेकिन यार उससे पहले भी तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम जब एनटीए ने रिस्पॉन्स शीट रिलीज़ की थी ना तो भाई उस टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर क्रिएट हो गया था। लाइक तुम लोगों को मैं बता देता हूँ कि भाई उस टाइम पे यहाँ पे वेबसाइट ही नहीं चल रही थी, बहुत सारे लोग डर गए थे। इवन तो मेरे को भी भाई काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि भाई एनटीए की वेबसाइट क्यों नहीं खुल रही। इसी के साथ साथ भाई लोग 3-3 बजे जाग के भी यहाँ पे चेक करते थे कि एनटीए की वेबसाइट खुली या फिर नहीं खुली, एंड 2 दिन तो भाई रिस्पॉन्स शीट को रिलीज होने में ही लग गए। लाइक यहाँ पे जो यूजीसी के चेयरमैन है उन्होंने बताया दिया था कि एनटीए ने जो रिस्पॉन्स शीट है वो रिलीज कर दी, लेकिन 2 दिन तक तो भाई वेबसाइट ही ओपन नहीं हुई, एंड बाद में जाके वेबसाइट ओपन हुई जहाँ पे उन लोगों को रिस्पॉन्स शीट देखने के लिए मिल गई। तो तुम लोगों के साथ भी यहाँ पे ऐसी सिनेरियो हो सकता है जहाँ पे तुम लोगों को OMR शीट अपनी देखने के लिए मिल जाएगी। देन जो सेकंड स्टेप होता है, इस सेकंड स्टेप के अंदर तुम लोगों को यहाँ पे जो रिलीज की जाती है वो होगी आंसर की। अब ये जो सेकंड स्टेप है ये भाई सुनने में तो सेकंड स्टेप लग रहा है लेकिन इसके अंदर स्टेप बहुत सारे होते हैं। तो देखो तुम लोगों के यहाँ पे एक आंसर शीट रिलीज की जाएगी, मतलब कि जो क्वेश्चंस थे यहाँ पे तुम लोगों के जो शिफ्ट में पेपर आए थे उसके अंदर रियल आंसर क्या है। लाइक लास्ट टाइम यहाँ पे काफी सारे शिफ्ट में पेपर हुए थे तो यार बहुत बड़ी आंसर की आ गई थी कि तुम लोगों के शिफ्ट में जो पेपर हुए थे उनके यहाँ पे आंसर क्या है। नाउ तुम लोगों को ये जो है ये मैच करनी पड़ेगी अपनी OMR शीट से। तुम लोग अपनी OMR शीट ओपन करोगे एंड देन तुम लोग यहाँ पे एनटीए की आंसर की ओपन करोगे एंड देन तुम लोग यहाँ पे मैच करोगे एंड उस हिसाब से फिर तुम लोग यहाँ पे अपनी जो रॉ स्कोर है वो यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हो। इसी के साथ साथ ये ऐसा नहीं होता कि एनटीए सिर्फ एक ही बार आंसर शीट रिलीज करती है, एनटीए जो है वो यहाँ पे काफी ज्यादा आंसर शीट्स रिलीज करती है। लाइक पिछली बार का सिनेरियो बताओ ना, तो यार उसने एनटीए ने फर्स्ट टाइम रिलीज किया उसमें काफी सारे क्वेश्चन गलत थे, उसके बाद एनटीए ने दूसरी बार रिलीज किया उसमें भी काफी क्वेश्चन गलत थे, एंड ऐसे करके एनटीए की 6 आंसर की आई थी। इस बार तो यार काफी ज्यादा कम शिफ्ट में पेपर हुआ है तो इस बार यहाँ पे 2 से 3 आंसर की आने के चांसेस बनते हैं, एंड थर्ड में वो फाइनल आंसर की आ जाएगी एंड उसी के बेस पे तुम लोगों का यहाँ पे सीयूईटी का रिजल्ट बन रहा होगा। इसी के साथ साथ मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर यहाँ पे आंसर शीट में कोई सी भी मिस्टेक होती है, लाइक जो आंसर की एनटीए रिलीज करेगा उसमें कोई सी भी गलती है एंड तुम लोगों को लग रहा है कि नहीं यार ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये मैं सही मार्क करके आया हूँ एंड एनटीए ने जो क्वेश्चन का आंसर दे रखा है वो यहाँ पे गलत है, या फिर तुम लोग गूगल पे चेक कर रहे हो एंड गूगल पे भी तुम्हारा जो आंसर मार्क किया हुआ है वो सही दिखा रहा है, तो तुम लोग यहाँ पे 200 रुपये की फीस पे कर सकते हो पर क्वेश्चन। अब ये पर क्वेश्चन होती है तुम लोगों को यहाँ पे करनी पड़ती है एनटीए को कि भाई हम लोगों ने जो क्वेश्चन मार्क किया है वो सही है, एंड उस हिसाब से फिर एनटीए उसको सही कर देता है अगर वो सही होता है तो। एंड ये जो तुम लोग 200 रुपीज़ पे कर रहे हो ये तुम्हारी जेब से जा रहा होता है, एनटीए को बस उससे रिवेन्यू मिल जाता है थोड़ा सा। इसी के साथ साथ ये जो अगर क्वेश्चन सही होता है ये यहाँ पे सभी बच्चों के लिए, लाइक जिन्होंने भी सीयूईटी दिया है एंड जिनका भी वो क्वेश्चन गलत था ये सभी लोगों के लिए माना जाता है। तो अगर तुम लोग यहाँ पे 200 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो एक क्वेश्चन में तो उससे सभी लोगों का भला हो जाएगा। वैसे एनटीए के लिए तो एक पैसे कमाने का ये सोर्स बन जाता है। बाकी थर्ड स्टेप की बात करें तो यार थर्ड स्टेप में तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो रिजल्ट होता है वो असलियत में यहाँ पे रिलीज हो रहा होता है ना। और रिजल्ट की बात करें तो यार रिजल्ट का ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 30 जून तक यहाँ पे एनटीए अपना जो रिजल्ट है वो यहाँ पे डिक्लेयर करने के बारे में सोच रहा है। तो तुम लोग यहाँ पे 30 जून तक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारा जो फाइनल रिजल्ट है वो यहाँ पे आउट हो जाएगा। अब इस फाइनल रिजल्ट के अंदर क्या होता है सबसे पहले तो हम लोग ये बात कर लेते हैं। तो जो फाइनल रिजल्ट है ना उसके अंदर तुम लोगों को कुछ इस तरीके से रिजल्ट कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा ना। इसके अंदर तुम लोगों को यहाँ पे परसेंटाइल देखने
के लिए मिल जाएगी एंड तुम लोग का एक नॉर्मलाइज स्कोर होगा। अब काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि ये नॉर्मलाइज स्कोर क्या होता है, तो देखो जो तुम लोगों के यहाँ पे आंसर की रिलीज हुई थी उसके बाद तुम लोगों ने एक स्कोर कैलकुलेट किया होगा कि मेरे यहाँ पे 660 नंबर बैठ रहे हैं, तो उसके बाद एक थोड़ी सी नॉर्मलाइजेशन होती है। लाइक तुम लोगों को जैसे कि पता होगा कि 15 मई को एक पेपर हुआ था एंड 29 मई को एक पेपर होना है, तो इन दोनों पेपर में यहाँ पे जिसमें नॉर्मलाइजेशन होगी, लाइक कुछ जो शिफ्ट है उसके अंदर मार्क्स थोड़े से कम कर देते हैं एंड कुछ जो शिफ्ट है उसके अंदर मार्क्स थोड़े से इंक्रीज कर देते हैं, तो ये सब होने के बाद तुम लोगों का एक नॉर्मलाइज स्कोर होता है एंड यही जो नॉर्मलाइज स्कोर है इसी के बेस पे तुम लोगों को यूनिवर्सिटीज एडमिशन देती है। तो इसलिए मैं तुम लोगों को कहूँगा कि नॉर्मलाइज स्कोर पे ही भरोसा करना एंड ये सब जितना भी है ये सब तुम्हारे यहाँ पे रिलीज होगा 30 जून से पहले। तुम लोगों को एक परसेंटाइल देखने के लिए मिल जाती है, लाइक परसेंटाइल के अंदर ना तुम लोगों को बेसिकली एक अंदाजा मिल जाएगा कि तुम लोगों ने कितने परसेंट लोगों से अच्छा परफॉर्म किया एंड बेसिकली परसेंटाइल का कोई ज्यादा काम नहीं होता, जितना भी काम होता है वो तुम्हारा नॉर्मलाइज स्कोर का ही होगा। तो इन्हीं तीन स्टेप में तुम लोगों यहाँ पे जो CUET का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद तुम लोग यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरना चालू करोगे CCS पोर्टल के अंदर, देन तुम लोग यहाँ पर रैंक रिलीज होगी, देन उस रैंक के बेसिस पे तुम लोगों को कॉलेजेस अलॉट होंगे। ये सब मैं तुम लोगों को आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ये वाले वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।